दोस्तों, साइबर क्राइम से जुड़ी एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको लेकर आपकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरा है। जब हम मोबाइल फोन लेते हैं, नया लेते हैं या किसी से सेकंड हैंड मोबाइल भी हम लेते हैं, तो वो एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट मोबाइल में होती है। जब हम नया मोबाइल लेके आते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उनमें होती है। ये एप्लीकेशन कैसी है, जैसे हो गया आपका ये स्कैनर हो गया, स्कैनर जो एप्लीकेशन होती है वो सारी परमिशन आपकी ले लेती है। जैसे एक तो ये कैचे क्लीन करता है, कोई मेमोरी क्लीन करता है, ये इस तरह की कई एप्लीकेशन ऐसी है जो आपके पूरे फोन पे कब्जा किए हुए हैं। ये आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन होती है, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इनका सारा सब कुछ रिकॉर्ड इनके पास होता है। यहाँ तक कि आपका जो फेसबुक आईडी है, ट्विटर की आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, इन सब का पासवर्ड इनको पता चल जाता है। क्योंकि कभी न कभी तो आप इनको लॉग आउट करते हैं और जब दोबारा लॉग इन करते हैं, ये स्कैन करते हैं सारे सिस्टम को, पूरे फोन पे सारी परमिशन इनके पास होती है। तो सारी चीजें इनके पास आपकी चली जाती हैं। कोई भी आईडी, आपकी ईमेल आईडी हो गई, ये किसी भी टाइम उसको हैक कर सकती है। अगर आपको लगा कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है, उसमें जान है, तो ये आपकी आईडी को हैक करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये जो आपके पास ये स्कैनर, ये फोन में बाय डिफॉल्ट होते हैं, अभी इनका करे क्या, इनको जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर आपके फोन में ऐसी एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जो फोन के साथ आती है वो अनइंस्टॉल नहीं होती है, तो इन एप्लीकेशन को आप क्लियर डेटा क्लियर कैचे करके और इनको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल का ऑप्शन वहां पे रहता है, इनको बिल्कुल डिसेबल कर लीजिए। और दूसरा, आप जगह जगह पे जब रजिस्टर करते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी एप्लीकेशन पे, कोई बोलता है पर रैपर 100 रुपये, और देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिल भी जाता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, आप खुद भी रजिस्टर करते हैं और लोगों का भी रजिस्टर कराते हैं। उसमें आप अपना डेटा देते हैं, उसमें अपना नेम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं उसमें, तो सारी चीजें उनके पास आपकी चली जाती हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो डेटा सारा उनके पास कलेक्ट हो जाता है, तो वो मिसयूज होने के लिए आपका कलेक्ट हो जाता है उनके पास, और वो कुछ हैकर्स जो बैठे हैं उनके पास आपका डेटा दे देते हैं सारा का सारा। अगर कहीं भी आपकी बैंक डिटेल से या किसी भी चीज से आपका जहाँ पे लेन देन है, कोई भी आपका डिजिटल तरीके से आप भुगतान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी मैच हुआ, तुरंत वो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे, आपका सारा पैसा उड़ा लेंगे। तो प्लीज, जो ये स्कीम आती है कि आप इतना रजिस्टर करिए, औरों को रजिस्टर कराइए, इतने लेवल तक आपको ये इनकम मिलेगी, फ्री में रजिस्टर करिए, फ्री में रजिस्टर करवाइए, लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड अटैच करवाइए, पैन कार्ड अटैच करवाइए, इस पे डाउनलोड करवाइए। ये जो डेटाबेस इकट्ठा करने की चीजें हैं, थोड़े से लालच के लिए कुछ मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये आप कमा भी लेंगे वहां से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप आने वाला अपना भविष्य, आपका बैंक अकाउंट जिसके लिए आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उनसे कमा रहे हैं, तो उसको आप दांव पे मत लगाइएगा। क्योंकि वहां पे जो आप उससे जमा कर रहे हैं वो तो अलग चीज, आपने जो अपनी मेहनत से अलग से कमाया वो भी सारा आपका खाली हो सकता है। इनमें जब आप रजिस्टर करते हैं भाई, अपना आप सारा डेटा इनके पास दे देते हैं, और ये लोग बहुत महंगे रेट पे ऐसे लोगों को बेच देते हैं जो इसका मिसयूज करते हैं, उनका काम ही यही है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है और पुराने जो तरीके हैं, पहले फोन करते थे, ओटीपी आता था, भाई ओटीपी दे दीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं या फलानी जगह से बोल रहे हैं, ओटीपी दे देते, उसका सभी को पता चल गया कि भाई ऐसे फ्रॉड होता है और किसी को ओटीपी नहीं देनी है। बैंक भी आपके पास रेगुलर मैसेज भेजते रहते हैं कि हम कभी भी आपके ओटीपी नहीं पूछते हैं, आपके कार्ड का नंबर नहीं पूछते हैं, आपका सीवीवी कोड नहीं पूछते हैं। अब उन्होंने भी अपना तरीका चेंज कर दिया, और इतना तरीका चेंज कर दिया है, जो मैंने ये एप्लीकेशन आपको बताई, ये एप्लीकेशन भी इतने एडवांस मोड में काम कर रही है, इतने एडवांस काम कर रही है ये, कि गूगल को भी चकमा दे देती है, उसको भी नहीं पता चलता कि ये कैसे लोगों के डेटा को कलेक्ट करती है, कैसे उनके पासवर्ड को पता चलती है। अब मैं आपको कुछ घटना जो मेरे आसपास हुई उनका मैं बता देता हूँ। मेरा दोस्त, उनकी फेसबुक आईडी हैक हो गई और उसके पास कॉल आया, उसको कैसे पता चला, फेसबुक वो आमतौर पे कम ही यूज करते हैं, तो उनके पास कॉल आया कि भाई आपको क्या इतने रुपए चाहिए, उनके किसी फ्रेंड का, जानने वाले का, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मुझे तो नहीं चाहिए, उन्होंने बोला भाई फेसबुक पे मैसेज किया, उन्होंने तुरंत फेसबुक अपनी ओपन की तो देखा उसके मैसेंजर से बहुत लोगों को, किसी को गालियां दी गई है जिसने पैसे के लिए मना कर दिया, किसी को कुछ कहा गया है, किसी से कम 8-10 जगह ऐसी जगह मैसेज किए जहाँ से बोला गया कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, किसी किसी ने बोला कि उसके जो खास दोस्त थे कि हाँ ठीक है सवेरे तक आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले तुरंत सबको कॉल करके कहा कि मैंने मैसेज नहीं किया है,
और उसके बाद वो देख रहे हैं कि जो आपका अपने फोन में वो अपनी आईडी लॉगिन किए हुए हैं और देख रहे हैं कि धड़ाधड़ मैसेज जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता बंदा। उसके सामने उसके फोन में वो लॉगिन थी उसकी फेसबुक, और उसके सामने मैसेज जा रहे हैं, किसी को गाली जा रही है, किसी से पैसे की डिमांड हो रही है। तो ये सारी चीजें उनके सामने हो रही हैं, वो कुछ नहीं कर पाया। तुरंत हम पुलिस स्टेशन गए, वहां पे रिपोर्ट कराई और वहां पे बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। बाकी ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं कभी भी, ठीक है। फिर उनके पास कुछ ही देर में कॉल आया कि मैं स्टेट से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपने किसी से ऐसे ऐसे गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। तो मतलब इतना इतना पंगा हो गया कि मानिए सामने वाला बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया और बहुत परेशान हो गया। आखिर में उस अकाउंट को डीएक्टिवेट किया जो फेसबुक का अकाउंट था, और कई सारी जो फॉर्मेलिटी होती है लीगल तरीके से वो की, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ा। यानी कि झगड़ा भी किसी के साथ इतना बड़ा हो सकता था कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बहुत गंदी गंदी गाली वहाँ पे दी गई थी। अब दूसरा, जो ये आप फ्री में रजिस्टर कर रहे हैं, कई बार आप लोगों को देखा होगा, कई लोगों को का पूरा जो बैंक अकाउंट है वहां से धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। शुरुआत में ये लोग क्या करते हैं, 5 रुपये 10 रुपये वहां से ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आप सोचते हैं, आप लापरवाही कर लेते हैं कि भाई 5 रुपये 10 रुपये हो गया होगा शायद मेरे से ही, कभी कुछ ऐसा बटन दब गया होगा, या बच्चों ने दबा दिया होगा, या मैंने किसी को 1 रुपया या 5 रुपया ट्रांसफर कर दिया होगा। लेकिन वो शुरुआत होती है, जैसे ही वो 5-10 रुपये को आप इग्नोर कर देते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली होना शुरू हो जाता है। ये एकदम से सारी राशि आपके अकाउंट में से नहीं लेते हैं, ये 2-3 ट्रांजैक्शन के जरिए लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपके सामने पहली ट्रांजैक्शन होती है, आप जब तक बैंक तक जब आप पहुंचते हैं, तब तक तो आपका सारा अकाउंट खाली हो चुका होता है। और जहां जहां भी आपने अपनी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो आपकी हैक हो चुकी है, जिसके बारे में उन्होंने पता लगा लिया है, जहाँ जो आपने फ्री रजिस्टर करते टाइम इस लोभ में कि यहाँ से इतना मिलेगा रेफर का, और आपने लिए हैं और लोगों का भी दिया हुआ है, जब तक जो जो वो आपकी ईमेल आईडी अगर काम की जगह पे दी गई है, तो वहां से भी आपका सब कुछ साफ हो जाता है। दोस्तों, इस बारे में आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। जो ये फ्री की स्कीम चलती है ना, फ्री रजिस्टर करो, यहाँ से रेफर करो, ये इधर उधर बिल्कुल भी मत करिए। और यहाँ तक कि मैं एक और आपको बता दूं, कुछ ऐसे लिंक होते हैं आपको रजिस्टर भी करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना होता है। जब वो लिंक आपके पास आता है, कोई कुछ भी मैसेज वहां पे लिखा होता है कि रजिस्टर करिए, 500 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये मिल जाएंगे, आपको रजिस्टर भी नहीं करना है, खाली उस लिंक पे एक बार आपने क्लिक कर दिया ना, आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, आपके फोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ी है, आपका आईपी एड्रेस, यहाँ तक कि आपका आईपी एड्रेस, आपके फोन का जो मॉडल नंबर है, कौन सा मोबाइल है, ये सब चीजें सामने वाले के पास चली जाती है सिर्फ लिंक पे क्लिक करने मात्र से ही। तो ट्रस्टेड जो लिंक है, जेन्युइन लिंक है, सिर्फ उन पे ही क्लिक करिए, बाकी किसी लिंक पे कभी भी क्लिक मत करिए, क्योंकि सिर्फ क्लिक करने से ही बहुत कुछ हो जाता है। और गलती से अगर आपने रजिस्टर कर लिया, तो आपके सारे पासवर्ड, आपके फोन के सब कुछ ये हैकर लोग हैक कर लेंगे, और आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों का लेन देन ही, आपको जेल भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, आप कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। क्योंकि ये लोग, इनको आपसे मतलब नहीं है, इनको आप अपना काम निकालने से मतलब है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। सावधान रहिए बिल्कुल भी ना, तो ये जो आपके फ़ोन में जो ये एप्लीकेशन है जिनसे आप ये स्कैन करवाते हैं, आपकी मेमोरी क्लीन हो जाती है, कैचे कैसे क्लियर वो कर देती है, इतनी मेमोरी फ्री हो गई आपकी, ये दिखाते हैं बाय डिफॉल्ट फोन के आते हैं, सबसे पहले उनको अभी तुरंत जाके डिसेबल कर दीजिए, जगह जगह फ्री रजिस्टर करना बंद कर दीजिए। बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोग भी समझदार हो रहे हैं, बचे कि कैसे बचे इन लोगों से जो फ्रॉड करते हैं, वो लोग नए नए तरीके निकाल के लेके आ रहे हैं लूट करने के, और लोगों का बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, और अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव वो लोग कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।